मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ऐसे आसन लेकर के आपके सामने आए हैं जिससे कि आपका पूरा बॉडी वेट आपका आपके निरंतर में रहेगा, यानी आपकी कार्पल बोन, आपका बाइसेप, आपका ट्राइसेप, आपका चेस्ट, आपका कोर आपके हाथ में रहेगा। आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो और जैसा चाहो उसको मजबूत कर सकते हो। आपको जिम में जाने की जरूरत नहीं है। तो इस आसन का नाम है अधोमुख श्वान, यानी कि ये मुख अधोमुख यानी होता है अधोमुख होता है नीचे की तरफ, मुख हमारे होता है हमारा फेस और श्वान होता है कुत्ता। ये पूरा पोज हमारे आसन का क्या कहते हैं डॉग वर्ड डॉग के समान हो जाता है। तो ये कैसे करना है हम आगे आपको करके बताते हैं, मेरे साथ बने रहिए। मुख श्वान आसन, पहले आप सर्वप्रथम वज्रासन में बैठते हुए अपने हाथों और पैरों के बल आ जाएं, शरीर को एक मेज की स्थिति में ले आएं। आपकी पीठ मेज की ऊपरी हिस्सों की तरह ही, दोनों हाथ और दोनों पैर मेज की पैर की तरह दिखाई देंगे। सांस छोड़ते हुए कमर को ऊपर उठाएं, अपने घुटने और कोहनियों को मजबूती देते हुए सीधे करते हुए अपने शरीर से उल्टा वी आकार बनाएं। अपने हाथों और पैरों के ऊपर पूरा प्रेशर दें और माउंटेन के पोज की तरह ऊपर उठाएं। अपने बम्स को हो सके जितना ऊपर की तरफ खींचे और सर को दबाते हुए टोज के ऊपर अपने आप को प्रेशर देते हुए खड़े हो जाएं। धीरे से श्वास लेते हुए अपने पाँव को ऊपर लेके जाएं और श्वास छोड़ते हुए धीरे से उसे नीचे रखें। यही क्रिया 2 से 3 बार दोहराएं। श्वास लेते हुए पैर ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, यही क्रिया करें। आसन में लाभ, यह आसन शरीर को ऊर्जा देता है और आपको तरोताजा करता है। यह आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है, छाती की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है और फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है, पूरे शरीर को शक्ति प्रदान करता है, विशेषकर हाथ, कंधे और पैरों को, मांसपेशियों को सुदृढ़ करता है और मस्तिष्क में रक्त संचार बढ़ता है। यह आसन से शक्ति प्रदान होती है और शरीर दर्द, अनिद्रा, थकान आदि में भी अत्यंत लाभदायक है। अब हम धीरे से अपने पूर्व स्थिति में यानी कि वज्रासन में जाते हुए साशांग आसन में अपने आप को रिलैक्स करेंगे। आपको जैसे हमें आपको सिखाया बताया कि अधोमुख श्वान, तो हम हर एक चीज हर एक जगह से सीख सकते हैं, चाहे वो जानवर हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधे हो, चाहे मनुष्य हो। वो हर एक चीज जो संसार में है, जीव है, उसे हमें हर एक चीज से सीखने को मिलता है। तो वो श्वान कैसा अपना पोजीशन बनाता है, कैसे क्या करता है, कैसे श्वास लेता है, वो चीज हमें सिखाता है, वो जानवर हमें सिखाता है। तो मनुष्य हर एक चीजों को सीखने और समझने का में सक्षम है। तो हम हर एक चीजों अगर हमें मिली हुई है वो मनुष्य मनुष्यात्मा, तो हमें हर एक तरीके से हर एक चीज सीखने को समझने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए, हमेशा हर एक कार्य को करने के लिए रेडी रहना चाहिए। और अगर ये आसन आपको कुछ इसमें डाउट होता है, समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपने फीडबैक दें, लिखें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।